So hello guys, welcome back to another new video. My name is Gokul Sudha and you're watching Sudha Tech Channel. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें कि आप देख कोई भी WhatsApp के जो मैसेज है उन्हें डिलीट कैसे कर सकते हैं. ओके, तो गाइज जैसे कि यहाँ पर मेरे पास मैंने एक मैसेज किया था, ठीक है. ये मैसेज मैंने किया था 19 मार्च 2020 को, ठीक है, यानी कि करीबन 4 दिन पहले. ओके, ठीक है, तो ये मैंने किया था सुबह 8:30 बजे के आसपास, ठीक है. तो अगर मैं इसको अभी डिलीट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, डिलीट फॉर एवरीवन का जो ऑप्शन आता है वो मैसेज फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं है, शो नहीं हो रहा है, ठीक है. बेसिकली ये जो ऑप्शन है वो मैसेज सेंड करने के 1 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद ये वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आपको बताने वाला हूँ कि आप उसे वापस कैसे ला सकते हैं, ठीक है, या फिर इस मैसेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है. वो चाहे मैसेज आप फिर अपने 1 महीने पहले किया हो या 2-3 महीने पहले कभी भी किया हो, उसे आप कभी भी डिलीट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, साथ में अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देना है. ओके, अगर आपने ऑलरेडी उसे अपडेट कर रखा है, ठीक है, तो सिंपल आपको उसे यहाँ से ओपन कर देना है. ओके, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अगेन वापस बता देता हूँ कि अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आता इसे डिलीट फॉर एवरीवन करने के लिए, ठीक है. तो इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को रीसेंट से हटा देना है. ओके, रीसेंट से हटाने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर देना है. सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, देन आपको एक ऑप्शन ढूंढना है टाइम एंड डेट, ठीक है. ये आपके डिवाइस में कहीं पर और भी मिल सकता है, जैसे कि मेरे अंदर सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मेरे अंदर आपको मिल जाएगा जर्नल मैनेजमेंट में, और यहाँ पर आप मेरे को मिल रहा है ऑप्शन डेट एंड टाइम का, ठीक है. तो सिंपल इस ऑप्शन पर आ जाना है और इसके बाद ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है. ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स सेलेक्ट टाइम जोन, इसको कुछ नहीं करना, और जो डेट है, ठीक है, वो आपको मैसेज की डेट करनी है. जैसे कि मैंने 19 मार्च को मैसेज किया था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 19 मार्च 2020 सेलेक्ट कर लिया. ओके, देन जो टाइम था वो था 8:00 बज के, ठीक है, 23 मिनट था, तो मैं 24:25 कर लेता हूँ, ठीक है, 25 मिनट और AM था. ओके, तो डन पर क्लिक कर देना है, यानी कि वो मतलब वही टाइम आपको थोड़ा करना है, थोड़ा मिनट मतलब एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं रखना है. जैसे कि मैंने 8:23 भी किया था, तो यहाँ पर मैंने 8:25 लगा दिया. ओके, इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने फ़ोन का फ्लाइट मोड ऑन कर देना है, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन का जो फ्लाइट मोड है उसे ऑन कर दिया. ओके, फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद फ्रेंड्स अभी आपको अपना WhatsApp ओपन कर देना है. ओके, WhatsApp ओपन करने के बाद फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिक कैसे वर्क करती है, ठीक है. तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी फ्रेंड्स अगर इस मैसेज को मैं होल्ड रखूँ और यहाँ पर इस पर डिलीट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट फॉर एवरीवन, आप देख सकते हैं. ओके, ये ट्रिक 100% रियल वर्किंग ट्रिक है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना. अब गाइस यहाँ पर इसको मैं डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक कर देता हूँ और ये डिलीट हो जाए, ठीक है. मैसेज डिलीट होने के बाद अब आपको सिंपल यहाँ से अब आपको इस पर क्लिक कर देना है, सेटिंग्स पर वापस आ जाना है. सेटिंग्स पर आने के बाद फ्रेंड्स अगेन आपको जर्नल मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है, देन डेट एंड टाइम पर क्लिक करके आपको अगेन ये ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम का ऑप्शन जो है उसे ऑन कर देना है, और आपको अपने फ़ोन का जो फ्लाइट मोड है उसे भी ऑफ कर देना है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, साथ में अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.